चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चुप हो जा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। हे भगवान, ये तो रोना ही बंद नहीं कर रहा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक ऐसा उपकरण जो तुम्हारे बच्चे का अभी तो रोना बंद कर देगा, पर इसके साइड इफेक्ट्स के लिए सावधान रहना। Baby cell phone, where are you? डॉक्टर, ये आजकल बहुत गुमसुम रहता है, कुछ भी अच्छे से नहीं खाता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैडम, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं दवाई लिख देता हूँ। रात में सोने से पहले सिंचैन के 2 वीडियो और सुबह उठने के बाद स्पाइडरमैन के 2 वीडियो दिखा दें, आपका बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। बेटा, कितनी देर हो गई है, जल्दी बाहर निकलो। नहीं आ रही मम्मी, क्या करूं? रुक, अभी आई। या बेटा, देखो मम्मी, ये मुझे ट्रॉफी मिली है, देखो। अरे हाथ तो हटा। वाव, शाबाश मम्मी, मुझे ये 100 मीटर की रनिंग रेस में मिली है। बहुत बढ़िया। एक बात बता बेटा, तू स्पोर्ट्स में तो अच्छा करता ही है, पर थोड़ा ध्यान यदि स्टडीज पर भी कर ले तो तेरा स्कोर कितना अच्छा हो जाएगा, और सोसाइटी में मैं भी सर ऊंचा कर कह सकती हूँ, मेरा बेटा भी किसी जीनियस से कम नहीं है। मम्मी, मैं पूरी कोशिश तो करता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स मोबाइल पर स्टडीज करते हैं, मिनटों में अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, मैं 7 दिन तक एक ही प्रोजेक्ट में लगा रहता हूँ, मुझे लर्न करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब आप ही बताओ क्या करूं? क्या करूं? स्टडीज करो। क्यों मम्मी, आप बिना? हाँ हाँ ठीक है, मैं इस बारे में पापा से बात करूंगी। नहीं मम्मी, आप मुझे प्रॉमिस करो कि इस बर्थडे पर आप मुझे मोबाइल फोन गिफ्ट करोगे। हाँ हाँ बेटा ठीक है, पर तुझे भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगी, इस बार फाइनल एग्जाम में 95% लाके देगा। ओके मम्मी, मैं जरूर लाऊंगा 95%। थैंक यू मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। लव यू मॉम, लव यू। अरे बेटा, लंच तो कर ले अब। नहीं मम्मी, पहले मैं अपने फ्रेंड्स को तो बता दूं कि मेरा मोबाइल फोन आ रहा है।
birthday to you. Happy birthday, dear Chintu. Happy birthday to you. अरे वाह चिंटू, कितना अच्छा गिफ्ट है। अरे वाह चिंटू, आईफोन। मुझे भी दिखाना चिंटू, मुझे भी दिखा। मुझे भी दिखा। अरे मुझे भी देखना है। अरे हाँ भाई, सबको दिखाऊंगा मैं। लो देखो। वाह। ओ 5G। वाव। 5G है। वाह। हाँ, इंटरनेट भी बहुत फास्ट चलता है। अरे वाव। इसमें मूवी डाउनलोड भी हो जाती है। वाव, कलर भी कितना अच्छा है। कितना प्यारा कलर है। ब्लैक कलर। फिर इसमें गेम्स है। हाँ, इसमें पबजी, BGMI और फ्री फायर मैक्स भी चल जाता है। वाव। बेटा चल खाना खा ले। क्या मोबाइल से ही पेट भर लेगा?
बेटा खाना ठंडा हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ, दूध पीकर जल्दी सो जाना। तुम्हें मालूम है टाइम क्या हुआ है? चलो अब जल्दी सो जाओ। ये लड़का भी ना कुछ नहीं ध्यान देता, नानी क्या कहेगा। जूता कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हर दम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। क्या मम्मा, आप जरा भी ध्यान नहीं देते मुझ पर।
भूख लगी है, खाना दे दो ना। मेरा प्यारा बेटा, सॉरी, बस थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर देती हूँ। अरे सुनो ना, आप ही से खाना दे दो। अरे ये लास्ट ओवर है, इसके बाद देता हूँ, तुम भी देख लो। आप दोनों रहने दो, मैं ही ले लेता हूँ खाना। बेटा हैंड वॉश कर लेना। मुझे नहीं खानी मेथी की सब्जी, मूंग की दाल। चल तू बैठ मेरा राजा बेटा, अभी मैं तेरे लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। मम्मी मोबाइल कहाँ है? चिंटू, चिंटू, चिंटू। वो मैथ्स वाली मैम ने जो होमवर्क दिया था कर लिया तूने? नहीं, क्या मैंने? कब करेगा मेरे भाई, कल कॉपी सबमिट करना है। तो टेंशन वेंशन मत ले, आधे घंटे में सब कंप्लीट कर दूंगा। कैसे? गूगल बाबा से। वाह क्या बात है। अब देख, 7th क्लास मैथ्स प्रोजेक्ट, देखा गूगल बाबा का जादू? चिंटू, 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 चिंटू चल ना, मैच के लिए लेट हो रहा है। जा इसे अंदर बुला ले। चल ना भाई, लेट हो रहा है, पहली बैटिंग हमारी है। छोड़ ना यार क्रिकेट, बहुत खेल लिया। अरे नहीं भाई, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अरे छोड़ दे ये गेम सेम, दुनिया का सबसे बड़ा गेम मेरे पास है, BGMI, देखो इसका कमाल। Can I be flow, can I be row, I can be fin up and I be yo, I got my big
gonna be bold, guys, so bold. I won't get better, I'm gonna shut up, I got a bad, gonna be go. I got a better, I'm gonna go. I didn't give up, we're not my pony, girl. Girl, girl, girl. Everybody put your hands up. Let's go. अरे मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, मोबाइल के अलावा तुम्हारा कहीं मन ही नहीं लगता। पढ़ाई वढ़ाई करना है कि नहीं? एग्जाम कितनी पास है कोई फिक्र नहीं है तुम लोगों को। मैं आज है ना तुम सबके मम्मी पापा से बात करती हूँ। सॉरी आंटी, पर गेम खेलने के लिए तो चिंटू ने ही हमें बुलाया था, हम तो बाहर खेलने जा रहे थे। हाँ आंटी, इसी ने हमें बुलाया था, हमारा तो मैच था। चुप रहो, सब जाओ अपने अपने घर। लाओ चिंटू ये फोन मुझे दो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ बेटा, फोन मुझे दे दो। चलो दो। ये लो, रख लो अपने पास। अरे मैं कब से बेल बजा रहा हूं, कोई दरवाजा खोलता ही नहीं। क्या बात है भाई, घर में अजीब सी शांति है। क्यों भाई चिंटू, कोई गड़बड़? आज तुम्हारी पीटीएम तो नहीं थी? लगता है ये तूफान के बाद की शांति है। सीमा प्लीज, एक कप चाय मिल सकती है क्या? अरे भाई तुम मुझसे क्यों नाराज हो, मैंने क्या किया? चलो तुम लोगों का मूड अच्छा नहीं है तो मैं भी ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। नहीं पापा। कहाँ जाना है? बाऊजी का फोन आया था गांव से, बहुत दिनों से याद कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दिन की छुट्टी लेकर चलते हैं उनसे मिलने। मुझे नहीं जाना, आप दोनों चले जाइए। क्यों बेटा, आप ही तो कहते रहते हो कि पापा दादाजी के यहाँ कब चलेंगे कब चलेंगे। क्यों, क्या बात है, क्यों नाराज हो? आप ही पूछ लो अपने लाडले से। क्या बात है बेटा बताओ। पापा आज मम्मी ने मेरे सभी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की और सबको घर से भगा दिया। बेटा ऐसा क्यों करा ये नहीं बताओगे? वो हम सब बैठकर स्टडीज कर रहे थे। झूठ, मोबाइल पर स्टडीज चल रही थी या गेम्स?
इसीलिए मैंने मोबाइल इन सब से ले लिया। गलत बात है बेटा, हमने आपको ये मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है ना, या फिर गेम्स खेलने के लिए? चलो मम्मी को सॉरी बोलो। मुझे नहीं बोलना सॉरी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक आप मेरा मोबाइल मुझे नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, पर एक प्रॉमिस करना होगा तुम्हें, बाऊजी के सामने अच्छा बिहेव करना होगा, किसी प्रकार की कोई जिद नहीं करना। ओके ओके पापा। बाऊजी, बाऊजी, प्रणाम, हम लोग आ गए। अरे भाई लेट हो गए, क्या बात है? बाऊजी वो ट्रेन थोड़ा लेट थी। बस बस ठीक है। बाऊजी ये बच्चे कौन है? बेटा ये गांव के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए आ जाते हैं, मेरा टाइम भी बीत जाता है और इनके साथ मन भी बहल जाता है। सीमा बाऊजी का तो शुरू से ही ऐसा है, हम जब पढ़ते थे तो पूरा गांव हमारे साथ पढ़ता था। चलो चिंटू अपने दादाजी के पेड़ छुओ। हाय दादू। अरे अच्छे से पाँव छूकर। रहने दो बहू, कोई बात नहीं। सॉरी बाऊजी, आजकल ये बच्चे हमारी कुछ सुनते ही नहीं, सब बातों को अनदेखा कर देते हैं, समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें। अरे अभी छोटा है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बाऊजी, आपने तो हमें अच्छे संस्कार दिए पर हमसे कहाँ चूक हो गई। सॉरी बाबूजी, वो ऑफिस से बॉस का फोन है। हेलो राजेश, कैसे हो? जी सर ठीक हूँ। पहुँच गए? जी जी सर। अरे अरे वो तुमसे पूछना भूल गया कि अब की बार हमारी मैडम की किटी पार्टी का अरेंजमेंट तुमने कौन सी होटल में किया है? होटल आकाश में सर। ठीक है ठीक है, ओके थैंक्स। मैं मैडम को बता देता हूँ। ओके ओके सर। हाँ बाबूजी क्या कह रहे थे आप? माँ की उंगली पकड़कर चलना उसने सीखा था, तुतला कर धीरे धीरे बोलना उसने सीखा था, देख मासूमियत जिसकी चेहरे सबके खिलते थे, ढूंढा बहुत ही उसको पर नहीं मिला वो बचपन जिसको कहते थे। मोबाइल बिना बचपन जो कभी घरों में खेलते थे, तरस रही आंखें की एक झलक नजर आ जाए, कभी छुपकर मोबाइल से आ बचपन हमसे मिल जाए, आ बचपन हमसे मिल जाए। सपनों का वो आंगन कहा, दर्पण बता बचपन कहा, सपनों का वो आंगन कहा,
दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। गांव में लाइट ही नहीं है। ओह नो, अब मैं क्या करूंगा? हमारे साथ चलोगे? कहाँ? चलो तो सही, देखना कितना मजा आएगा। पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है, जंग से बिखर,
कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा चकले रख ले हथेली से ढक ले से तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है रोके तुझे कोई क्यों भला संग संग तेरे आकाश है धूल धूप है शमशे बिखर तू है नदी बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं तेरी तो मंजिल है वही खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमी जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन को ही अब है कहां धूप है शमशे बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू बाऊजी समझ आ गया मुझे पर आप लोग कब समझेंगे इस मोबाइल ने ही हमें एक दूसरे से दूर किया है क्यों ना हम एक दिन के लिए सिर्फ एक दिन के लिए इस मोबाइल से दूर हो जाए चलिए हमारे साथ आप भी संकल्प लीजिए कि हम सब हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बस एक दिन का उपवास मोबाइल का उपवास जरूर करेंगे